हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं गोविंद मोटो वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हमारे पास है सिमटेक का हजार्ड फ्लैशर, जिसे हम लगाएंगे इस बाइक में। तो कैसे लगेगा वो और कैसे उसके फीचर्स है, क्या क्या उसमें फंक्शन है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो लीजिए दोस्तों, ये है अपना सिमटेक का हजार्ड फ्लैशर और इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, ये है इसमें वारंटी कार्ड दोस्तों। ये देखिए, मेरे को मिला है ये 2 फरवरी 2022, ये इसकी वारंटी डेट है। और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ 20 मंथ्स सिंस डेट ऑफ परचेज, यानी कि इसकी 24 महीने की वारंटी हमें मिली हुई है इस कार्ड के बिहाफ पे इसमें। तो दोस्तों, इस हजार्ड फ्लैशर की सबसे खास बात यह है कि ये इजी प्लग एंड प्ले है। आपको कोई भी वायर जो है कट नहीं करना पड़ता है, जिससे बाइक की वारंटी भी जो है वो अवॉइड नहीं होती है। तो इसके जो वारंटी है, वारंटी के अंदर ये अगर ख़राब होता है तो रिप्लेस करके आपको मिलेगा। और दूसरी बात कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं या TVS कंपनी वाले हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी वायर कटिंग नहीं होती है। आप इंस्टॉलेशन में देखेंगे आगे कि कैसे हमने इसको बिना किसी वायर कटिंग के इंस्टॉल किया है। और जो इसके फीचर्स हैं, यानी जो इसके फ्लैशर हैं, 20+ हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास आ चुका है ये हजार्ड फ्लैशर और ये हमने दे दिया है मैकेनिक को लगाने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, हमारे पास जितने भी वायर हैं उनको बस हमें प्लग आउट करना है और इसमें प्लग इन करना है, दैट्स इट। आप ये देख रहे हो, यहाँ पर प्लग इन किया, दूसरा वायर ऐसी लेना है हमें, दूसरा स्विच ऐसी लेना है और सबको इसी तरह ढूंढ के हमें प्लग इन करना है। जिस तरह से आपने देखा होगा दोस्तों, क्योंकि एक CPU में कीबोर्ड माउस सबको जॉइंट किया जाता है, प्लग इन किया जाता है, उसी तरह से आपको उस कॉम्बिनेशन का स्विच सर्च करना है और उसी कॉम्बिनेशन के प्लग में उसको इन करना है। तो बस छोटा सा काम है, सिंपल है, बहुत ही इजी है इसको लगाना। देख सकते हो आप, ये हमने प्लग आउट किया और इसमें फ्लैशर में हजार्ड में प्लग इन कर दिया। इसी तरह बाकी के जो हैं वो लगते चले जाएंगे और कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लास्ट में जाके जो भी कनेक्शन बचता है इसका, वो जाएगा अपने फ्लैशर के स्विच में। तो आप ये देख सकते हो, ये हमने स्विच में कनेक्शन इसका कर दिया है और इस स्विच को हम लगाएंगे बाहर। तो अभी एक बार इसकी चेकिंग कर लेते हैं चाबी लगा के कि कैसे ये काम कर रहा है। काम तो ठीक कर रहा है, मतलब हम इस स्विच को अब फिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसको हैंडल के लेफ्ट साइड पे फिक्स करने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं कैसे आगे का काम होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर सब हमने इंस्टॉल कराने के बाद सब कुछ यहाँ से बंद कर दिया है, स्क्रू वगैरह सब टाइट कर दिए हैं। और मैं यहाँ दिखाता हूँ, नीचे हमने यहाँ पर इसको टाई किया है, ये आप देख सकते हो। इसको हमने इस टाई के सहारे यहाँ पर इसको बांध दिया है, ताकि ये कहीं हिले डुले ना और आवाज़ ना करे बाद में बाइक चलते हुए। और इसके जो सारे कनेक्शन हैं हमने यहाँ अंदर कर दिए हैं, अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सब को हमने तारों को यहाँ पे अंदर इसमें फिक्स कर दिया है, सारे कनेक्शन अंदर हो गए हैं, सब प्लग एंड प्ले है। तो कुछ भी हमने वायर की कटिंग भी नहीं की है इसमें। और अब हम दिखाते हैं आपको इसके फीचर्स। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसकी चाबी ऑन करते हैं, वो ब्लिंकर्स जो है यहाँ पर जलते हैं इस तरह से। और अब हम दिखाते हैं कि इसके कौन कौन से फ्लैशर हैं, यानी 20+ जो फ्लैशर हैं वो कितनी बार किस तरह से किस उसमें जलते हैं, तभी सब सब चेक करा देते हैं हम। तो यहाँ से सबसे पहले जैसे हम इसको ऑन करते हैं, तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि आपको वापस से अपना जो फ्लैशर है बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ्लैशर यहाँ से ऑन कर दिया है आपने, इंडिकेटर देना, तो आपको सिंपली बस इंडिकेटर देना है और आप यहाँ देखोगे इंडिकेटर आपका ऑन हो जाए। और फिर जैसे ही मैं यहाँ से इस इंडिकेटर को ऑफ करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर फ्लैशर जो है वो चालू हो गए हैं। तो बार बार ऑन ऑफ करने का भी सिस्टम आपको नहीं करना है। और जो इसका चेंजर है फ्लैशर का, वो हमने यहाँ नीचे लगवाया है। यहाँ पर ये जो छोटा सा बटन है, ये है, इसको आप यहाँ से प्ले करेंगे तो आपका जो देखिए इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं ग्रीन वाले, ये आपको चेंज करके दिखाएंगे बार बार मोड्स। इसके जो मोड्स हैं वो यहाँ से चेंज होते रहेंगे, देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों, इसमें जो 20+ मोड्स हैं वो देख लेते हैं। ये है सबसे पहला मोड,
ये आ गया इसका दूसरा मोड, जिसमें चारों इंडिकेटर एक साथ जलते रहते हैं। तो दोस्तों ये है इसका थर्ड मोड, देख सकते हो। फोर्थ मोड, जिसमें चारों इंडिकेटर कुछ इस सीक्वेंस में जलते हैं। ये देखिए इसका फिफ्थ मोड, सिक्स्थ मोड, सेवेंथ मोड, एट्थ मोड, नाइन्थ मोड, टेंथ मोड। ये है इसका अगला मोड, ग्यारहवा। ये है इसका बारहवा मोड, फिर ये तेरहवा मोड, ये है 14, चौदहवा मोड, ये है इसका पंद्रहवा मोड, ये आ जाए इसका 16 मोड, 16, ये है 17th मोड, 17वां। दोस्तों ये है इसका 18वां मोड, ये है इसका 19वां मोड, और दोस्तों ये देखिए ये है इसका 20वां 20 नंबर का मोड। देख क्या डिजाइन में इसके इंडिकेटर जल रहे हैं इस टाइम। तो ये आ गया इसका 21st मोड, यानी 21वां। तो देखिए हमारे जो टोटल मोड है वो 20 प्लस हो चुके हैं, और इस तरह से ये चारों इंडिकेटर का मोड दोबारा आते हुए, यानी वो सब रिपीट हो रहे हैं अब दोबारा से। तो यहाँ पर मोड इसके खत्म होते हैं, तो 20 प्लस मोड हमें मिल चुके हैं इसमें। तो दोस्तों कौन सा मोड आपको अच्छा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो इंडिकेटर हैं जो आपको जलते हुए दिख रहे हैं, इनका लिंक या इनका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, देख लिया आपने किस तरह से हमने हजार्ड फ्लैशर को इंस्टॉल किया है सिमटेक का विद वारंटी। कोई हमने बाइक की गारंटी हमने अवॉइड नहीं किया है। अगर आपको भी लेना है तो इसी लिंक के थ्रू आप जाके ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नीचे आपकी कुछ क्वेरी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं। इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई मॉडिफिकेशन के साथ। देखते रहिए हमारे चैनल गोविंद मोटो वर्ल्ड। मैं हूँ गोविंद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।